हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका, प्रिया लुक्स मैटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है और नवरात्र के 4 दिन बीत चुके हैं। आज नवरात्र का 5वां दिन है। पिछले 4 दिनों में हमने 4 नई रेसिपी बनाई है, जिसमें हम स्वीट भी कुछ ना कुछ बना रहे हैं और कुछ अलग अलग चटपटी, यू नो, चटपटी इजी, बहुत जल्दी जल्दी बनने वाली रेसिपी हम बना रहे हैं। अगर जिस किसी ने भी वो वीडियो मेरा नहीं देखा है, मिस किया हो, तो प्लीज वो जाके जरूर चेक करिएगा। प्लीज वो वीडियो जरूर देखो, बहुत ज्यादा अच्छा है। और जिस जो कोई भी फूडी है, यू नो, अलग खाने का मन करता है, ये खाना है, कई बार थोड़ा चटक मटक खाना है, स्पाइसी खाना है, थोड़ा डिफरेंट खाना है, तो वो लोग बिल्कुल देखो, बनाओ घर में अपने, खाओ, एंजॉय करो, जैसे कि मैं करती हूँ। एक्चुअली आई एम वेरी फूडी, तो मुझे भी खाना बनाना एंड खाना, नई रेसिपी ट्राई करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैं कितनी फूडी हूँ आपको मेरे को देख के ही पता चला होगा। हम मेरी सारी सब रेसिपी देख के पता चली। तो 4 दिन हो चुके हैं और आज 5वां दिन है, day 5 है आज। आज भी मैं आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत जल्दी बनने वाली ना, बहुत स्पेशल, मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगता है वो सब, तो ऐसी रेसिपी लेके आई जो सबको पसंद आएगी, बच्चों को भी पसंद आएगी, बड़ों को भी पसंद आएगी, और सब वो खा के एंजॉय कर सकते हैं। इवन वो खाने के बाद तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि पेट हल्का, मतलब पेट खाली है, यू नो, कि भूख लगती है ज्यादा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसी रेसिपी मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ, वो आपको पक्का पसंद आएगी, एकदम यकीन के साथ बोल सकती हूँ। उस रेसिपी का नाम है साबूदाना वड़ा एंड मूंगफली की चटनी, और 5 मिनट क्या, 2 मिनट में बनने वाली चीज है, स्वीट आइटम। आपको कई बार खीर बनानी थी, आपको बिल्कुल नहीं समझ में आता, वैसे 2 मिनट में बनने वाली खीर है वो, और स्पेशल है बहुत ज्यादा, तो वो भी मैं आज आपको उसके साथ सिखाऊंगी। तो वही ना, तीखे के साथ थोड़ा मीठा भी मिक्सचर आ गया, तो बहुत अच्छी रेसिपी है। तो चलो फिर आज हम बनाते किचन में, आपको भी मेरे साथ किचन में आना है और देखना है, अपने घर पे बनाना है, सबको खिलाना है, सबको खुश करना है। आप जब ये अपने घर पे ट्राई करोगे तो आप हमेशा मुझे याद करोगे, तो मैं यकीन के साथ बोल सकती हूँ। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बनाएंगे साबूदाना वड़ा। सो उसके लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपको बताती हूँ। ये है आलू, मैंने बॉईल करके लिया है, फिर उसको अच्छे से कट करके बॉल में रखा है। फिर इसमें रात में भिगोया हुआ साबूदाना है, आप देख सकते हैं पूरा फूल गया ये भीग के। देन इसमें थोड़ा सा जीरा एंड हरी मिर्च लिए, जितना आपको तीखा चाहिए उसके हिसाब से आपको ये लेना है। एंड मूंगफली लेके उसको हल्का सा भून के फिर उसको क्रश करके मैंने लिया मिक्सर में से। और हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, थोड़ी सी धनिया पत्ती ऐड करेंगे, धनिया पत्ते भी ऐड करेंगे एंड पाउडर भी ऐड करेंगे। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत इजी है। सबसे पहले हमने कढ़ाई रख दी यहाँ गर्म होने के लिए, तो हम थोड़ा हाई फ्लेम करेंगे। जैसे एक तरफ हम साबूदाने वड़े की तैयारी करेंगे, उस दूसरी साइड हम तेल गर्म करके लेंगे कढ़ाई में, क्योंकि हमें वो डीप फ्राई करना है। सो जो आपको ऑयल चाहिए आप अपना डीप फ्राई करने के लिए ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ सनफ्लावर ऑयल लिया है। इसको हम अच्छे से गर्म करने के लिए रख देंगे। खाली बड़ा सा बोल लेना है, आपके पास मैशर होगा तो आपको मैशर भी लेना है। तो साबूदाना एक बोल में निकाल लेंगे हम, जितना हमें चाहिए साबूदाना, थोड़ा हम कम डालेंगे, जितना चाहिए आप देख लेना अपने हिसाब से। थोड़ा सा हम पहले साबूदाने को क्रश करेंगे, फिर हम आलू को भी इसमें डालेंगे। फिर जो हमने मूंगफली के दाने का जो ये मिश्रण दिया है, हमें इसमें भी थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा, जितना हल्का सा डालना है, 1-2 चम्मच हम डालेंगे इसमें ये। जो जीरा हमने लिया था वो भी मैं इसमें डालूंगी। जो हरी मिर्च ली थी वो हम इसमें हल्का सा कट कर लेंगे बारीक बारीक। अगर आपको हरी मिर्च सीधा नहीं डालनी तो आप इसको मिक्सर में से निकाल के भी डाल सकते हैं। तब तक तेल गर्म हो चुका, हम थोड़ा सा कम गैस कर देंगे। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, जितना आपको चाहिए आप अपने हिसाब से देख लेना।
थोड़ी सी धनिया भी हम ऐड करेंगे। अब इसको हम हाथ से मिक्स करेंगे। इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। और ये यहाँ है कोरिएंडर पाउडर, सो ये भी हम थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं इसमें। जो भी मैंने आपको बताया था कि जो भी हमें सारी चीज़ें एक साथ मिक्स करनी थी वो हमने कर ली है। अभी हम इसके हल्के हल्के छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। थोड़ा सा हाथ पे हम पहले ऑयल लगाएंगे, फिर हम इसके छोटे छोटे गोले लेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ऐसे गोले करके। इसीलिए मैं कह रही हूँ बाइंडिंग के लिए आपको थोड़ा सा आलू ऐड करना है ज़्यादा, बाइंडिंग के लिए आपको थोड़ा सा आलू ऐड करना है ज़्यादा, ताकि आपका गोला आसानी से बन पाए, जुड़ पाए। नहीं तो साबुदाना ज़्यादा हो जाएगा, वो फिर मिक्स नहीं होगा, ना जुड़ेगा, ना आपकी टिक्की बनेगी, टाइप ऑफ वड़ा बन नहीं पाएगा। तो गोल बना के हम उसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, आप देख सकते हो इस तरह। ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, और 10 मिनट भी नहीं लगते इसको बनाने में। हमारा साबुदाना वड़ा बन चुका है। अब इसको हम डीप फ्राई करने के लिए छोड़ेंगे तेल में। तो चलो फिर ऐसे हम दूसरा और वड़ा बना लेंगे। इस तरह गोल्डन ब्राउन हमें तल लेना है। दूसरा वड़ा भी हमारा रेडी है, जैसे ही हम निकालेंगे और फिर हम दूसरा भी इसको अच्छे से डीप फ्राई करेंगे। अभी हमारा ये बनके रेडी है। हम इसको इस प्लेट से टिश्यू भी निकालेंगे। साबुदाना वड़ा बनके हमारा रेडी है। तो अभी हम जो चटनी बनाएंगे उसके लिए हमें चाहिए थोड़े से धनिया पत्ती, धनिया के पत्ते। फिर हम मूंगफली ऐड करेंगे जो रोस्टेड थी हमारी। फिर हम इसमें थोड़ा सा कर्ड ऐड करेंगे, दही। फिर हम हल्की सी चटनी ऐड, नमक ऐड करेंगे जितना हमारी चटनी के लिए सफिशियंट है। हम फिर इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे। तो हमने ये सारा मिश्रण एक साथ डाल दिया है। हम इसको अच्छे से पीस लेंगे और इसकी चटनी बना लेंगे। जैसे हमने बताया था कि मिक्सर में से हमने चटनी निकाल ली है, अब वड़ा चटनी रेडी है। अब हमारे मीठे में कई बार हमें नहीं समझ में आता कि हम जल्दी में क्या बनाएं, तो आपको सिंपल सा काम करना है। अगर आपके पास राजगीरा है या उसकी चिक्की है जो आजकल मार्केट में फास्ट की आती है, जो कि ये होती है ऐसी, तो आपको सिंपल सा है। आपको भोग लगाना है भगवान को, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा दूध लेना है मलाई वाला, उसको हल्का सा हम गर्म करेंगे। फिर इसमें हम ये छोड़ देंगे, इसमें बहुत ज़्यादा शक्कर गुड़ मिक्स है, सो हम इसमें कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। फिर इसकी वो हल्की सी खीर बन जाएगी और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, और भोग में भी वो मीठे का भोग लग जाता है। तो सो बहुत इजी है, 2 मिनट का काम है, और वो भीग के दूध में इतना सॉफ्ट हो जाता है कि लिटरली वो खुल खुल जाता है, ऐसे खुला हो जाता है और खीर की तरह लगता है, तो खाने में बड़ा अच्छा लगता है। अब हमने ये डाल दिया, थोड़ा सा खोपा था हमने वो भी ऐड कर दिया है, किशमिश था हमने ये भी ऐड कर दिया है। आप देख सकते हो इसको एक उबाला आ चुका है, सो हमारी खीर भी डन है। 2 मिनट की खीर है, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट होता। आप ये भी खाओगे तो आपको एनर्जी मिलेगी। राजगीरा वैसे भी अच्छा होता है, बच्चों के लिए भी अच्छा होता है, हम भी खा सकते हैं। सो अभी हम इसको निकाल लेते हैं एक छोटे से बोल में। जैसे कि जो आज हमने डिश बनाई थी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, वो है ये साबुदाना वड़ा, देन ये हरी मिर्च तली हुई, थोड़ा नमक लगाया इस पर, देन ये इसके साथ हम चटनी खाएंगे हरी वाली मूँगफली की,
देन ये है राजगिरा जो होता है गच्चक बोलते हैं आप, एक सिंगदाने की आती है एक राजगिरे की, उसकी ये खीर जो कि बहुत ज़्यादा यमी है। तो चलो फिर आज मैं टेस्ट करके भी दिखाती हूँ आपको कैसे बनाई ये सब। हमेशा की तरह आ गई मैं आपके सामने रेसिपी लेके। अच्छा है, मेरे को भी अच्छा लगता है जैसे बनाना खाना जो मैंने आपको बताया, तो इस बारे में बना भी रही हूँ, खा भी रही हूँ, आप सबको भी बनाना सिखा रही हूँ। और खाना तो आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो सब लोग जानते हैं। तो चलो भी स्टार्ट करके दिखाती हूँ कि कैसे बना है आज का मेरा ये साबूदाना वड़ा। वेट करो, ये लिया साबूदाना वड़ा, एंड ये भी हम चटनी के साथ खाएंगे, बहुत अच्छा लगता है। आप ये सोच रहे होंगे हर टाइम हरी मिर्च ले लेते हो, अरे भाई मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है हरी मिर्च, मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ, मतलब एक दो तो मैं खा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। सब्जी कम तीखी हो और हरी मिर्च के साथ खाओ बड़ा अच्छा लगता है। दोबारा आ गया ना वही बात है, हर टाइम ये बंदी आती है अपनी तारीफ करती चली जाती है, भाई ऐसा नहीं है। आप बताओ साबूदाना वड़ा किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है। ऊपर से तला हुआ डीप फ्राई करो तो उसमें और ज्यादा टेस्ट आ जाती है। सो जैसे रोज की तरह आज की भी रेसिपी नंबर 1 बनी है, देख सकते हो आप कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा बना है। चटनी के साथ अगर आप ये खाओगे एंड हरी मिर्च के साथ भी खाओगे बहुत अच्छा लगेगा, यम्मी है बहुत ज्यादा। साबूदाना वड़ा तो हो गया, अभी नेक्स्ट पारी जो हमने खीर बनाई आप इसमें देख सकते हो किशमिश भी ऐड कर रहे हैं, खोपा भी ऐड करा है जो आपको दिख सकता है। तो अभी हम ये भी खाते हैं, ये भी ट्राई करके मैं आपको बताती हूँ कैसा बना है। वाह, बहुत ज्यादा टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ज्यादा अच्छी बनी है खीर मेरी, बहुत ज्यादा फेवरेट है। इसमें हमने कोई शुगर ऐड नहीं करी, आप अपने घर पे ट्राई करो। राजगिरे की एक गच्चक आती है सिंगदाने की राजगिरे के, उसी का हमने दूध में डाल के जस्ट पकाया है उसको और तुरंत हमने बोल में निकाला है। अब खा के देखो, बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। खोपा डालना है डालो, नहीं डालना है आप स्किप कर दो, बनाओ खाओ कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताओ। तो ये था मेरा आज का मेनू, आज की डिश। अगर आपको ये पसंद आए तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ऐसी ही नई नई न्यू न्यू डिशेस आपको देखनी है, बनानी है, सीखनी है तो आप मुझे बताओ, जितना भी मुझे आता है मैं आपके सामने वीडियो में जरूर लेके आऊंगी, मुझे भी अच्छा लगता है, ये मेरी हॉबी भी है। तो इतना ही था मेरे आज के वीडियो में। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना और हमेशा की तरह टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियो, क्योंकि प्रिया लुक्स मैटर। बाय बाय, एंजॉय करो।